राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह में थाना सिविल लाइंस इलाके के कचहरी चौकी प्रभारी खिलाफ मालवीय आवास पर धरना प्रदर्शन किया और प्रभारी को तत्काल बर्खास्त कर कानूनन कार्रवाई करने की मांग की। कहा कि कचहरी प्रभारी काफी समय से कीड़ों को परेशान कर रहे हैं, उनको एक नींद नहीं आ रही है, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। ऐसा ही मेरी बहन सुनीता देवी के साथ चौकी प्रभारी ने विपक्षियों से झूठी शिकायत लेकर झूठा मुकदमा लिख लिया था। इसकी शिकायत मैंने SSP से लेकर आला अधिकारी को की थी मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी के चलते मुझे मजबूर होकर धरना प्रदर्शन को बाध्य होना पड़ा। चौकी प्रभारी खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। एक मामला नेहा मौजमपुर जहानाबाद थाना सिविल लाइंस निवासी मलकान सिंह ने भी करा है। आरोप लगाया है कचहरी चौकी प्रभारी आरोपियों को नहीं पकड़ रहे हैं। 25 जून को रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, उसके बाद भी आरोपियों से मिले हुए हैं, इसीलिए चिंतन की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है। मामला साहब हमारा ये है, हम बधाइयों में पहले SP साहब को देहात SP साहब को ज्ञापन दे चुके हैं। हमारी छोटी बहन है सुनीता देवी नाम की, नेपुर निवासी है, गली नंबर 2 की है। इनके जेब में झूठा एक मुकदमा लगा दिया है हड्डी टूटने का, जिसमें सभी गवाह ये कह रहे हैं कि यहाँ ये सुनीता देवी और अभिषेक नाम का बेटा कोई नहीं था। और मैं बार बार कह रहा हूँ, गवाह भी चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि ये व्यक्ति नहीं थे, दरोगा जी दूसरे पक्ष से पैसा लेके और उसको हमारी बहन को फंसा रहे हैं। और हमने ये इस बात को कहा कि दरोगा जी हम गवाह ले आए हैं, कृपया आप इनका नाम नोट करें। दरोगा जी ने ये कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, टाल मटोल कर दिया दरोगा जी ने, गवाह को नोट नहीं किया। और हम जो चाहते हैं कि दरोगा जी को यहाँ से शीघ्र हटाया जाए और दरोगा जी को सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इन्होंने झूठी विवेचना में हमारी बहन को फंसा रहे हैं, ऐसे दरोगा जी को सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए। माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी से महोदय से हम यही मांग करना चाहते हैं कि इन दरोगा जी को सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई करके इन्हें जेल भेजा जाए, ऐसे व्यक्ति को जो लोगों से दलाली करके और झूठे केस में फंसाना चाहते हैं। हमारी बहन से क्या हमसे मांग की थी साहब, ये कहा था हम मिठाई करा देना, हमने कहा मिठाई करा देंगे। हम इस बात को समझ नहीं पाए, हमने मिठाई नहीं कराई, तभी इन्होंने हमारी बहन का नाम झूठे विवेचना में। दरोगा का नाम क्या है? दरोगा का नाम साहब उरेंद्र पाल सिंह, चौकी कचहरी इंचार्ज है। तैनात कचहरी चौकी इंचार्ज है, थाना सिविल लाइन है। सर हमारी स्थानीय मांगों के समस्याओं को लेकर के ये धरना प्रदर्शन चल रहा है सर। धरना प्रदर्शन तो वैसे हमारा सुप्रीम मजिस्ट्रेट के आश्वासन पर 30 तारीख को ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन हमें कंपनी द्वारा और अधिकारियों द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि आपकी जो स्थानीय लंबित मांगे हैं उनको 8 दिन में पूरा किया जाएगा। तो हमने ये सिटी मजिस्ट्रेट साहब को भी ज्ञापन दे दिया और अधीक्षण एजेंटा को भी ज्ञापन दे दिया है, जिसका कि हम अगर जब तक हमारा ये मांगों को लेकर सिलसिला ख़त्म नहीं होता तब तक हम भी यहाँ पर केंद्रीय कंसर्न के रूप में बैठे रहेंगे और इधर आप हमारी समस्याओं को निपटाते रहें, अपना फैसला चलाते रहेंगे। अगर 8 दिन का हमें दिया गया है, उन 8 दिन के बीच में अगर ये हमारी समस्याएँ ख़त्म नहीं होती हैं तो 9 तारीख के लिए हमारा फिर कार्य बहिष्कार का आयोजन है और 9 तारीख के लिए फिर हम कार्य बहिष्कार करेंगे। मांगे सर यही है कि किसी कर्मचारी की समय में वेतन नहीं पड़ रहा है और कुछ कर्मचारियों का वेतन है जो कंपनी अभी तक 2-3 महीने का वेतन लंबित करे हुए है और EPF में भी घोटाला हो रहा है। EPF भी कई कर्मचारियों का समय पर नहीं पड़ रहा है और कुछ कर्मचारियों का किसी महीने का EPF नहीं पड़ा है, किसी की KYC पूरी नहीं हुई है और एक्सीडेंटल क्लेम जो है हमारा विभाग में लंबित चल रहा है। उस एक्सीडेंटल क्लेम का जब से कंपनी आई तब से आज तक किसी भी एक्सीडेंटल क्लेम का भुगतान नहीं किया गया है। यही सारी स्थानीय मांगों के ऊपर ये खिदमत चलाया जा रहा है। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।